राजस्थान के विभाड़ी कस्बे में बीती रात को एक फर्नीचर की दुकान के पीछे गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे लकड़ी का सामान व प्लाईवुड जलकर राख हो गई। आग रात करीब 1 बजे लगी, जिससे 2 दमकल ने करीब 2 घंटे की भारी मशक्कत के बाद बुझाया। गनीमत ये रही कि आग दुकान तक नहीं पहुंची, वरना बड़ा नुकसान हो सकता था। दमकल कर्मी ने बताया कि रात करीब 1 बजे आग लगने की सूचना मिली। इसके बाद विभाड़ी व खुसखेड़ा की दमकल को मौके पर बुलाया गया। करीब 2 घंटे में आग पर काबू पाया गया। दमकल के आने में देर हो जाती तो आग गोदाम से आगे दुकान के फर्नीचर में भी लग सकती थी, लेकिन उससे पहले ही आग पर काबू पा लिया गया, जिससे दुकान का कई लाख रुपए का सामान बच गया। दमकल कर्मियों के पास पुलिस कंट्रोल रूम से फोन आया। इसके बाद टीम मौके पर पहुंची। तब तक कुछ लोग भी एकत्रित हो गए थे। मोटे तौर पर करीब 1 से 1.5 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।